देवरिया जनपद के भाटपार रानी ब्लॉक अंतर्गत तिकम्पर चौराहे पर रोड पर गंदा पानी बहने से राहगीरों को परेशानी हो रही है। वर्तमान प्रधान राम नारायण कुशवाहा ने इसकी सूचना उस व्यक्ति को दिए जिनके मकान से लेटरिन और गंदा पानी बह रहा है। लगभग एक साल बीत गया लेकिन पानी अभी भी बह रहा है। वर्तमान प्रधान ने बताया कि कुंवर कुशवाहा के घर से सारा गंदा पानी भर के रोड पर लगा हुआ है। इस बात को कई बार कहने के बाद भी कोई व्यवस्था नहीं हुई। उसके एवज में उनका लड़का मेरे साथ अलग अलग तरीके से मुझे बदनाम करने के लिए फेसबुक और व्हाट्सएप पर तरह तरह का वीडियो डालकर मेरी छवि को धूमिल करते हुए बदनाम करने की कोशिश करता है। मेरे ग्राम सभा में बच्चे वापस में झगड़ा किए और बच्चों द्वारा भाटपार थाने में तहरीर दी गई, जिसका मुकदमा भाटपार थाने में दर्ज है। उस महिला को लेकर दिव्यांशु मौर्य तहसील और थाने पर चक्कर काटते हुए मेरे खिलाफ मुकदमा लिखवाने का प्रयास कर रहा है, जबकि इस प्रकरण की जानकारी होने पर मैं अपने बच्चों को डांटा बोला और यह सोचा कि बच्चों को डांटते हुए हल कर लिया जाएगा। पत्रकारों से बात करते हुए वर्तमान प्रधान रामनारायण कुशवाहा ने इसकी जानकारी दी। देवरिया से त्रिभुवन त्रिपाठी की रिपोर्ट। जी प्रधान जी, आपके चौराहे पे, मेन चौराहे पे पानी लगा हुआ है, आने जाने वाले राहगीरों की बड़ी दिक्कत हो रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? कहना यह है कि भाई पानी गिराना बंद करें, सभा को क्योंकि लेटरिन का पानी है। वो किसके अपने पानी का व्यवस्था करें ना। उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसके घर का पानी बहता है? उसके सभा कुंवर नाम है। सभा कुंवर। और उसके घर की लेटरिन का पानी रोड में लगभग कितने दिनों से बह रहा है? अरे कई साल हो, कम से कम 5-6 साल हो गए। उसका आपत्ति किसी ने किया कि नहीं किया? बहुत लोग है उसे, उसके बाद भी कोई हल नहीं निकला। नहीं हुआ। वो किस टाइप का व्यक्ति है? वो तो नहीं है लेकिन उसका लड़का है जो पत्रकार का धावा देता है, लोगों को ठगने का काम करता है। आपको पता है कि वो पत्रकार है या नहीं? नहीं, ये मालूम नहीं, लेकिन पत्रकार का वोट तो लगाया है ना। वोट लगाया हुआ है जी। और उसके धौंस में लोगों को लेता है? हाँ जी, हमसे लेता है, धौंस देता है हमको, कितने बहुत बार दिए है। और सुनने में आता है कि आपके खिलाफ बहुत सारी, हम जब से प्रधान हुए हमको इतना परेशान किया है कि हम कहा कहें, यहाँ से लेकर थाना तक, तहसील तक, आपके खिलाफ हमेशा आवाज हमेशा हमेशा और आज तक हम उसके खिलाफ कुछ नहीं बोले। सभा कुंवर के लड़के का नाम क्या है? सभा कुंवर का दिव्यांशु मौर्य। दिव्यांशु मौर्य जी। और जो आपके कार्यकाल में आपके द्वारा काम कराया जाता है उसमें भी अपना नाम लिख के वो प्रचार प्रसार करता है? नाम लेकर भेजता है, कहता है कि हम काम किए। इस पे आपने कहीं आपत्ति नहीं? कहीं आपत्ति नहीं किया। टावर दूसरा लगवाया है और वहाँ खड़ा होकर फोटो निकाल कर बोलता है कि टावर हम लिखवाए हैं। आप रास्ते में जाती औरत तो उसको पकड़ के कहता है कि देखिए इसका राशन कार्ड हम रहा है, क्या कहीं राशन कार्ड बन रहा है? अच्छा, उसमें उसका भी रोल है जो बच्चे मिल के वापस में झगड़ा किए थे उसमें, वह भी उसका बहुत बड़ा रोल है। वही तहसील और थाने में पत्रकारों को लिया गया था हमारे खिलाफ मुकदमा लिखवाने के लिए। ये उस महिला की तरफ से? हाँ, उस महिला की तरफ से। तो वो बच्चे वापस में झगड़ा किए थे, सारे मित्र हैं? बच्चे लड़के थे, हम लोग किसी उसमें सियान आदमी मन घर के गार्जियन नहीं थे। उस पर क्या कहना चाहेंगे झगड़े पे आप? झगड़े पे नहीं है कि भाई वो आए थाना में, वहाँ पर बातचीत हुआ होगा, अगर नहीं मारा है तो भागा क्यों है? गांव से भाग गया है? भाग गया है, 15 दिन से घर पर नहीं आता है, रात को फिर भाग जाता है सुबह। आपका शुभ नाम? हमारा शुभ नाम राम नारायण। वर्तमान प्रधान है जी। किस गांव के? टीकमपुर के।